दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं अभी बिहार का सबसे नंबर वन पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार पॉलिटेक्निक पटना 13 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 में आया हुआ हूँ। और ये देखो पटना 13 का ये कैंपस है, काफ़ी बढ़िया कैंपस है। ये देखो ये हुआ इसका मेन गेट बोल सकते हो, काफ़ी अच्छा। मतलब वेल मेंटेन इसका पर्यावरण है, काफ़ी अच्छा, शांत इलाका में है। गार्डन वगैरह सारा चीज़ बहुत अच्छा बनाया गया है। मतलब आपका काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है, पढ़ाई भी यहाँ पर अच्छा है। मतलब ऐसी नहीं, इसका बिहार का बिहार पॉलिटेक्निक का जितने भी सरकारी कॉलेज है उसका सबसे अच्छा कॉलेज बोला जाता है। ये पटना 13 का एक गेट इधर है और एक इंट्रांस गेट इधर में है। एक इंट्रांस गेट जो है इसका यहाँ पर है, यहाँ सामने में एक है। यहाँ पर जो है स्टैचू वगैरह बनाया हुआ है और यहीं पर जो है इसी के ठीक बगल में जहानाबाद पॉलिटेक्निक का भी क्लास चलता है। जहानाबाद पॉलिटेक्निक का भी इसी का बगल में क्लास चलता है बाबू। तो जो लोग जहानाबाद पॉलिटेक्निक लिए हुए हैं वे भी समझो कि यहीं पर पढ़ेंगे, इसी कैंपस के बगल में ही पढ़ने वाले हैं। जहानाबाद का अभी जहानाबाद में बिल्डिंग नहीं बना हुआ है, उसका भी क्लास यहीं पर चलेगा। और काफ़ी अच्छा पटना 13 नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13। तो ऐसे ही नहीं, सबसे पहला चॉइस बिहार का जितना भी बच्चा होता है उसका पहला चॉइस पटना 13 ही रहता है। इसमें पढ़ाई भी आपको अच्छा मिलेगा और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, चारों तरफ गार्डन वगैरह है, वेल मेंटेन है और ये जो है मतलब काफ़ी अच्छा, मेरा भी बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आके। ये था आपका पटना 13, ठीक है। अब उसके बाद मैं जहानाबाद पॉलिटेक्निक का मैं दिखाऊंगा जो इसी का बगल में है, जहानाबाद पॉलिटेक्निक। ये था आपका पटना 13 का कैंपस। तो इसी का जस्ट बगल में बाबू जहानाबाद का है, यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, फिर से दोबारा लाइव आता हूँ बाबू और उसमें बात करेंगे हम लोग जहानाबाद पॉलिटेक्निक का, जहानाबाद पॉलिटेक्निक का।